जय श्री कृष्ण। हेलो गुजरात में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर इनाउजा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट। कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है। तो आज हम टैरोट कार्ड के ऊपर से ये वीक का प्रेडिक्शन देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है। मेष राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। शत्रु आपके सामने आ रहा है, आपके कामकाज नहीं हो रहे, तो आपको संभल जाना है। आपको क्या है, शत्रु को मित्र बना लेना है और उसके साथ पास में से सारी चीज़ें या सारी बातें करवा लेनी है प्रेम से बोल के। जो काम प्रेम से होता है वो हम शत्रु साथ से नहीं कर सकते हैं और काम और भी बिगड़ जाता है। और आपकी पास्ट लाइफ अभी ख़त्म होने को आ रही है। बहुत ही अच्छे दिन आपके आ रहे हैं। राजा की तरह राज करने वाला लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर और लकी कलर रहेगा 1 और 3 नंबर और लकी कलर रहेगा ऑरेंज और येलो कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। वृषभ राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कहीं पे आप जीत हो रही, जहाँ आप दुनिया के पूरे जादूगर हो और जहाँ भी जाते हो वहाँ आपकी जीत होती है और वहाँ पे सब जगह पे विक्टरी मिलती है आपको। राजा और रानी की तरह राज कर रहे हो और अब हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो और कहीं पे घूमने का प्लानिंग भी हो रहा है। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर और लकी कलर रहेगा ऑरेंज और येलो कलर। आपको क्या करना है, हो सके तो आपकी घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए घर की दहलीज के ऊपर एक कपूर और एक लौंग मिट्टी के दिए में जलाना है, ताकि काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। रोज शाम को करना है। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मिथुन राशियों के लिए ये वीक थोड़ा स्ट्रगल लाइफ है। नया बिजनेस है, नया कुछ काम करने जा रहे हो तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी उसमें स्ट्रगल लाइफ तो करनी पड़ती है। मेहनत ज़्यादा मांग रहे हैं तो मेहनत करो, आगे फल अच्छा मिलने वाला है। राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो, कहीं पे कुछ आपको अवॉर्ड प्राप्त हो रहे हैं, कहीं पे कुछ बच्चों के नए गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, तो ये वीक बहुत ही अच्छा है। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका डार्क ब्लू कलर, पर्पल कलर। आपको क्या करना है, आपकी घर की जो वेस्ट दिशा है वहाँ पे आपके सरसों के तेल का दिया करना है और हो सके तो वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। कर्क राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। आपको पूरी दुनिया का सामना करने पड़ रहा है, तो आपको अपनी आप लाइफ को अपने आप को बैलेंस करना है लाइफ के अंदर और आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर ना देखे कि क्या हुआ था मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए कि नहीं अभी मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। और एकदम से युवक युवतियों के शादी के योग भी बन रहे हैं। थोड़ा युवक या तो युवती बड़ी एज की होने की शक्यता है, तो आप वो मत देखिए, लेकिन अच्छा घर है, अच्छा लड़का है वो देखना ज़रूरी है। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर और लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। हो सके तो आपको क्या करना है, जो भी भगवान को मानते हो वहाँ पे आपको ध्वजा चढ़ानी है, उससे काफ़ी परेशानी आपकी घर की दूर हो जाएगी। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। सिंह राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। आपको क्या करना है, थोड़ा आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जब आप सोते हो तभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उठते हो तभी भी वही सेम नेगेटिव थॉट्स, तो आपको क्या करना है, आपके सिरहाने के नीचे पानी का ग्लास भर के रखना है, जल का ग्लास, और वो सुबह में हो सके तो पशु पक्षियों में डाल दीजिए या तो फ्लश आउट कर दीजिए, काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जब सोए तब उठे और तब भगवान को याद करना है। कहीं पे आप पार्टनरशिप भी कर रहे हो तो पार्टनरशिप में आप आगे बढ़िए, वहाँ उसमें एक औरत का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी आपके पास है, वो एनर्जी को आप अपने पास रखिए और हो सके तो सब में बांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट जा रही, जो समझ रहे हैं उसके ही आपकी एनर्जी आपको देनी है। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर, लकी कलर रहेगा डार्क पर्पल कलर, ब्लू कलर और ब्लैक इस कलर। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। कन्या राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कहीं पे आप रुक रहे हैं तो वहाँ पे कोई औरत आके आपको हेल्प करके चली जाएगी और कहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। कहीं पे युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं। युवक और युवती जो भी हो कि आपकी लाइफ में, तो थोड़ी एज में ज़्यादा होंगे 1-2 साल, तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा और खुद आगे आए, अपने पैरों पे आगे आएंगे। तो लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ब्लू, ब्लैक और पर्पल कलर। और हो सके तो आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट दिशा आपकी घर की जो है वहाँ पे 2 कपूर और 2 लौंग जलानी है शाम के, रात के टाइम पे। हो सके तो मिट्टी के दिए में जलाए तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी।
अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? तुला राशियों के लिए ये वीक जो भी पैसे दे ले या देती करे तो सोच समझकर आगे बढ़िए, सोच समझकर बराबर काउंट करके फिर आगे दीजिए। आप राजा की तरह राज करने वाले हो, आपकी फैक्ट्री मकान और खुद का बिजनेस आगे बढ़ाइए। कहीं पे कई बच्चों की गुड न्यूज़ भी आ रही है, तो बहुत ही अच्छा ये है वीक आपके लिए और बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर और लकी कलर रहेगा व्हाइट कलर। आपको क्या करना है कि साउथ ईस्ट दिशा में घी का दिया जलाना है और कपूर और लौंग साथ में, वहाँ पे कपूर लो, 2 कपूर, 2 इलायची, 2 लौंग, 7 मरी और 7-11 तमातज पत्र रखना है। उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी, वो वीकली वहाँ पे चेंज करना है। लकी नंबर रहेगा आपका येलो कलर और रेडिश कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? वृश्चिक राशियों के लिए मोस्ट ऑफ वही है कि आप अपने सिर पे भार लेके ना घूमें और सारा भार सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सबको बांट दीजिए, तो आपका काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। राजा और रानी की तरह राज करने वाले योग युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं और कहीं से लक्ष्मी योग के प्राप्ति भी हो रही, गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर ना देखें। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर, लकी कलर रहेगा ऑरेंज और येलो कलर। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? धनु राशियों के लिए ये वीक कुछ आपको लगता है मीडियम है मध्यम है ये वीक। आपको सब लोग फंसाने की कोशिश करें, आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप धीरे से बाहर निकल जाइए। और कहीं पे 6 महीने में गुड न्यूज़ भी आ रही है, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप अपना कर्म और जो भी है, आप जो भी कार्य करें सबके साथ जहिल मिल और जुल कर रहिए, हो सके तो आप प्रामाणिकता ज़्यादा अपनाइए, तो उससे आपका कर्म बंधन भी नहीं होगा और जो भी कार्य करें उसमें सक्सेसफुल मिलने वाली है। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर, लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर। और आपको क्या करना है, हो सके तो गाय को हरा घास खिलाइए। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? मकर राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। कहीं पे हार्ट ब्रेक होने की शक्यता है, कहीं पे लव में प्रॉब्लम आ रह सकती है, कहीं पे बाईपास सर्जरी भी हो सकती है, कहीं पे 3 महीने के अंदर रिलेटिव्स या तो फ्रेंड्स मित्र या तो लवर्स वहाँ पे हार्ट ब्रेक हो रही है, कहीं पे आपका बंधन योग भी आ रहा है, कहीं पे आपकी पूरी दुनिया चेंज हो रही है, तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए। और आपको एक छोटी सी रेमेडी, आप अपना मोबाइल के ऊपर ही अपनी फ़ोटो लीजिए और एक हाथ में कपूर और लौंग लीजिए और एंटी क्लॉक वाइज गायत्री मंत्र बोल के आपकी फ़ोटो की नज़र उतार लीजिए और फिर उसको वेस्ट दिशा में बर जला दीजिए, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाए। 3 दिन ये कंटिन्यू करना है तो जो भी प्रॉब्लम आने वाली वो चली जाएगी। और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाइए और हो सके तो नमक के पोछे मारें। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर और लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? कुंभ राशियों के लिए कहीं पे कुछ गुड न्यूज़ आ रहे हैं, कहीं पे पार्टी हो रही है, कहीं पे कुछ नहीं है, आपके प्रामाणिकता हो और आगे बढ़ रहे हो, कहीं पे युवती कोई ओल्ड लेडी आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस के अंदर या तो शादी के लिए, कहीं ना कुछ नए हो रहे हैं, फेम और नेम भी मिल रहा है। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, 6 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येलो और रेडिश कलर। आपको क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो आपको हल्दी की गांठी आपके पास रखनी है अपने साथ, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और हो सके तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में भगवान का स्थान रहता है, तो वहाँ पे आपको येलो कलर का क्लोथ भी कुछ भी रखे तो भी काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है मीन राशि, तो ये वीक के लिए मीन राशि क्या कहती है? ये वीक आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल लाइफ दिखा रहा है। कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझकर आगे बढ़िए, जो भी एग्रीमेंट हो तो वो सोच समझकर एग्रीमेंट पढ़िए। कहीं पे आपको एग्रीमेंट गलत तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं पे ऐसे ही साइन तो नहीं कर रहे हो, आपको कहीं पे कोई आपके घर से निकाल कर रोड पर तो नहीं ला रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना है। आप दोनों बहुत ही समझदार है, एक दूसरे के साथ बात करके खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और खुद इतने समझदार हो कि किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि ये मैंने इतना सारा कि आप सबको एडवाइस देते हो सबका काम हो जाता था, इसलिए बी केयरफुल, किसी को
आपके वो एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को नेगेटिव से दूर कीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। हो सके तो रोज़ रॉक सॉल्ट या तो गौमूत्र से स्नान कीजिए, बात लीजिए, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और हेलो गुजरात की ओर से आप सबको ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामना। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से। मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। थैंक यू वेरी मच।